नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बीते दिवस से मौसम का मिजाज बदलता रहा। बीते दिवस से आसमान में बादलों का आना शुरू हुआ तो आज सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश सुबह से शुरू हो गई थी। दोपहर तक जिला मुख्यालय सहित जनपद भर में बारिश और उच्च हिमालय सहित मुनस्यारी बाजार में हिमपात होना शुरू हो गया, जो शाम तक लगातार जारी था। बर्फबारी के चलते थल मुनस्यारी मोटर मार्ग भी बंद हो गया था। बीते दो साल बाद जिला मुख्यालय में भी शाम को बारिश के साथ हिमपात होना शुरू हुआ, जो लगातार एक घंटे तक लगभग बारिश के साथ जारी रहा। हिमपात के शुरू होते ही नगर के दर्जनों लोगों ने बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए चंडाक को रवाना हुए, जिस कारण चंडाक रोड में भी लंबा जाम लगा रहा। बर्फबारी लगातार व तेज होने के कारण नगर में भी कुछ देर बर्फ जमी रही। सड़कों में वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लोग हिमपात के दौरान छतों पर आकर बर्फ से खेलते नजर आए। कई स्थानों पर हिमपात के साथ लोग मोबाइल से फोटो खींचते भी नहीं थके थे। नगर के चंडाक, थलकेदार, ध्वज, कपिलेश्वर, असुरचुला, सौरलेख सहित अन्य पहाड़ियों में भी अच्छा खासा हिमपात हुआ है। बर्फबारी के दौरान कई बार नगर की विद्युत व्यवस्था प्रभावित रही। जिले के अन्य तहसीलों बेरीनाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट व अन्य स्थानों पर भी भारी हिमपात हुआ है। उच्च हिमालय व मुनस्यारी में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी के चलते जनपद के कई मार्गों में देर तक यात्री व वाहन फंसे रहे। कई स्थानों पर वाहनों को धक्का देकर निकालना पड़ा। बर्फबारी के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश व बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के चलते कल 4 फरवरी को शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा जारी आदेशानुसार शुक्रवार को जिले के सभी विद्यालय बंद रहेंगे और शिक्षक व कर्मचारी विद्यालयों व कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना की गति थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को जिले में 89 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में आज 89 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 82 लोग आरटीपीसीआर व 7 लोग एंटीजन में पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 लोगों के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जिले में वर्तमान में 570 केस एक्टिव हैं। आदर्श चैनल पर के नियमित समाचार सुनने के लिए मादक पदार्थ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ इसका बेल आइकन पर जारी करना के तहत न भूलें।